नारी नहीं जा रही है बाइक गरी। तो यहाँ आप पीछे देख सकते हो मेरी बाइक, स्कूल स्टार्ट हो रही है एंड अभी भी मेरी मतलब जो हेल्थ है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जुकाम एंड गला दर्द बहुत ज़्यादा है, बट इट्स ओके। नाउ वी आर गोइंग बैक टू चंडीगढ़ एंड आज का स्टे हमारा चंडीगढ़ होगा, तो आज से हम चंडीगढ़ निकलेंगे पालमपुर टू चंडीगढ़। बाकी देखते हैं, लेट्स गो एंड वेल गुड राइड। सो अभी बाइक बिल्कुल स्टार्ट हो रही है और अभी सामान सुन भी सब कुछ पैक कर दिया है एंड लेट्स गो, अब चलते हैं। बाकी रास्ते में हम टायर ट्यूर भी चेंज करवाएंगे, सब कुछ देखेंगे। अभी यहाँ पे कोई शॉप्स नहीं नियर बाय, बट वी विल सी कि आगे हमें कहीं शॉप मिल जाए और जहाँ पे हम टायर चेंज करवाएं। टायर की हालत दिखाती हूँ आप लोगों को, देखो भाई डर जाएगा अच्छा खासा आदमी इसको देख के, मतलब इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई इसकी। कोई नहीं, अभी हम चेंज करवाएंगे और फिर चलते हैं। निकल चुकी हूँ मैं एंड भाई मैं आपको क्या ही बताऊँ, मेरा इतना ज़्यादा हालत ख़राब हो रहा है लिटरली, मतलब मुझसे ना मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे चला रही हूँ, बट भाई बहुत ही हालत ख़राब हो गई है। सो अभी आप लोगों ने मेरा कैमरा ऑन नहीं किया हुआ था, मैं ना कहीं गलत ही घुस गई थी लिटरली। यहाँ पे ना इतने सारे रास्ते हैं और वो भी इसे लिंक रोड मैंने लगाया भी था मतलब मैप में ना, बट उसके बाद मैं फिर भी गलत ही घुस गई और वो मैं कहीं लिंक रोड में घुस गई। फिर एक भैया थे, उन्होंने बोला कि बेटा ये नहीं है, यहाँ से हमीरपुर नहीं है करके जाने का ऐसे, क्योंकि मुझे हमीरपुर होके घुमावेन होके चंडीगढ़ निकलना है। तो आई वॉज़ लाइक ओ शिट, मुझे इतना वापस नहीं जाना अब। तो फिर अंकल ने उसके बाद मुझे ले गया कि मेरे साथ आओ पीछे, तो वो बड़े बहुत नाइस अंकल थे यार वो ना, उन्होंने वो किया क्या बोलते, उन्होंने काफ़ी आगे तक ले गया और हेल्प की, उन्होंने बोला कि अब यहाँ से जाना, मतलब गाइड किया उन्होंने, कोई शॉर्टकट सा रास्ता था, फिर वही लिंक रोड को वो करता था, सॉरी जो मेन रोड है ना उस पर ले जाता था वो रास्ता। तो यार उसके बाद में अब आगे हूँ एक मेन रास्ते में, तो बाकी यार मतलब रास्ता तो प्यारा है यार, ये बहुत मतलब अच्छा रास्ता है, वैसा नहीं है बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ सा, मतलब गंदा टाइप का ही नहीं है, मतलब बढ़िया है। तो यार बस चलते हैं अब यहाँ से। तो हम भी चल पड़े हैं अपनी चंडीगढ़ की ओर। चंडीगढ़ में भी ऐसा सीन है कि ज़्यादा नहीं, मतलब एक दो दिन ही रुकूंगी चंडीगढ़, क्योंकि मुझे आना है घर वापस, मुझे कुछ काम है एंड मेरे तो ऐसे चक्कर लगे हुए हैं ना जैसे पहले उधर चंडीगढ़, और मैं मतलब अभी भी इतनी हंसी आ रही है ना, मैं चंडीगढ़ सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए आई थी, मतलब चंडीगढ़ से शिमला के लिए, ठीक है सिर्फ वन डे के लिए, और मैंने कुछ कपड़े नहीं लाए, और उसके बाद हम रामपुर चले गए, रामपुर से देखो फिर वापस शिमला, शिमला से पालमपुर धर्मशाला, मतलब इतना घूम फिर लिया, और मतलब पूरे 3-4 दिन ना मेरा बर्थडे वीकेंड चला हुआ है, मतलब यार बस इतना, मतलब हमेशा ना अनप्लान चीज़ें करोगे ना ऐसे ही होता है मतलब, पर कोई बात नहीं, फ़न हुआ, मज़ा बहुत ज़्यादा आया, ऐसा नहीं है बट हमें थोड़ा और प्रिपेयर होना चाहिए था तब और ज़्यादा बढ़िया रहता, बट चलो कोई नहीं, ऑल ओवर बहुत बढ़िया गया और बहुत मज़े आए, बहुत मेमोरीज़ बनी, यही चीज़ें यार, घूमा फिरा करो, मेमोरीज़ बनाओ। बाकी हमने भी काफ़ी इंजॉय किया 3-4 दिन, 13, 14, 15, 16, 17 ना आज, हाँ तो 3-4 दिन यार बहुत लगते हैं। सो आजकल मैं सिंगल लेंस मोड में शूट कर रही हूँ, इसमें 360 जैसा नहीं दिखता बट मतलब बढ़िया है, देखते हैं अब कैसा कैसा आएगा। वाह देखो कितना प्यारा प्लेस है, बिल्कुल बीच में पुल है और साइड में देखो ज़रा कितना सही लग रहा है वो देखो
कितना प्रीटी लग रहा है यार, ऐसा तो मेरे गांव में भी है। सो बाकी गाइस, अभी तो चंडीगढ़ का है, उसके बाद शायद कुछ दिनों में मे बी शायद दिवाली के टाइम जाऊँ या फिर कभी भी, मतलब घर भी जाना है तो बाकी देखते हैं क्या बनेगा। मैं पहले तो चाहूँगी कि मेरी जल्दी जल्दी से हेल्थ ठीक हो जाए। भाई मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है, मतलब मुझे ठंडा हो गया कि मुझे क्या हो गया, मुझे खुद भी पता नहीं लग रहा है। मतलब कभी गला ख़राब, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसा ऐसा हो रहा है। धूप लगी हुई है। एंड एक बात बताऊँ, मेरा तो ना अब हेडेक भी स्टार्ट हो गया है, मतलब चला ही नहीं जा रही है बाइक बड़ी। ओ भाई ये कैसे गया अभी। अब हम सीधे घुमारवीं की ओर चलेंगे, बस घुमारवीं पहुंच गई और उसके बाद तो कुछ नहीं है, फिर चंडीगढ़ से दही एक डेढ़ घंटे में सीधे सीधे में मस्त पहुंच जाएंगे। ऊपर से ना मैं सीरियसली ऊपर से बोले भी नहीं जा रहा है मेरे को, इतना गले में पेन हो रहा है इसलिए मैं थोड़ा कम कम करके बोल रही हूँ। तो अभी चलते हैं और सीधे अभी घुमारवीं से ब्लॉग शूट करूँगी, घुमारवीं का फोर लेन से। अरे यार, तो बाकी कुछ खाना भी है, भूख भी लग रही है, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, सीधे निकल गई थी तो खाने का टाइम भी नहीं लगा। तो अभी रुक जा भाई, तो बस खाने पीने भी उतरूँगी कहीं पे, तो फिर हम सीधे निकलेंगे। तो यार लेट्स गो गाइस, आफ्टर 1 आवर आई हैव क्रॉस्ड घुमारवीं। तो मैं बीच में खाना खाने भी रुकी हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। वाह कितना सुंदर लग रहा है यार, ये पता नहीं कौन सी रिवर है कि लेक है, ये अभी तक मुझे नो आइडिया। देखो कितना सुंदर लग रहा है, वाह बहुत प्यारी है। सो मुझे फिर घुमारवीं में वहाँ पे 38 किलोमीटर्स था एंड उसके बाद जाके 6 किलोमीटर चल के फिर जाके फोर लेन मिला। सो अब आ चुका है फोर लेन एंड होप करूँगी कि फोर लेन आगे तक हो, बस बीच, क्योंकि अगर अब फोर लेन। वाह कितना सुंदर है, देखो कितना प्रिटी लग रहा है, बीच में बोट भी घूम रही है इसमें। तो बाकी अब फोर लेन आ चुका है और अब हम चलेंगे जल्दी जल्दी। चंडीगढ़ अब यहाँ से है 103 किलोमीटर्स बता रहे थे। यार कितना सुंदर है, मन कर रहा हूँ उतर के देख लूँ पहले। पुलिस वाले भी है यहाँ पे काफ़ी सारे। सो चलते हैं अब भराड़ी वन। ये तो चंडीगढ़ यहाँ से 103 किलोमीटर्स है और मैं तो होप करूँगी कि बस ऐसे ही रास्ता हो। फिर से पता मैं कितना अब हमीरपुरों के बाज़ार बाज़ार बाज़ार, यार कितना सुंदर है यार, यहाँ पे रुकना बनता है। वाओ यार कितना प्रिटी है, देखो वाओ सो ब्यूटीफुल सो ब्यूटीफुल। उधर दूर दूर अभी मेरे सिंगल लेंस के आपको 360 नहीं दिख रहा होगा, बट उधर तो बोट घूम रही है वहाँ पे, पर एक इतना सुंदर है, वाओ यार। तो गाइस निकल गए और इस प्यारे सी व्यू को भी कर रहे हैं हम बाय बाय। कितना ज़्यादा, मतलब इतना सुंदर है कि मन नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। देखो कितना प्रिटी है और इधर साइड को भी, वाह जस्ट लाइक अ वाह। वो भाई ये तो बहुत ही पूरी तक फैला हुआ है, उधर से उतना दिख नहीं रहा था। सो गाइस लेट्स गो नाउ, अब चलते हैं जल्दी जल्दी, आई होप अब सीधा सीधा ही रास्ता हो।
नीचे से टनल भी है। आई वॉज नॉट हैविंग एनी आइडिया अबाउट दिस टनल, बट सही है यार, टनल नंबर 3। इसमें मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, वाओ लेट्स गो। नहीं यार टनल तो मस्त है, मुझे तो अंधेरा होगा, सही है। हो वाओ वाओ, वन मोर टनल। अच्छा स्माइल कर रहा है। टनल नंबर 2, मतलब काफ़ी टनल्स हैं मे बी इधर। यार बस एग्जॉस्ट लग जा रहा है, इसमें क्या मज़ा आ जाएगा, मतलब मैं वेट कर रही हूँ कब मैं इसमें एग्जॉस्ट लगाऊँ, मतलब क्या ही देगा। यार यहाँ क्यों देखो तो पत्थर, ओ भाई क्या सही है यार, ये कुछ ऐसे देखिए अलग ही दुनिया सी लग रही है। देखो ब्लैक कलर का बिल्कुल से सॉइल, कि पत्थर है ये ब्लैक। यार एक तो हेलमेट कैसे उतना मुझे विजिबल नहीं हो रहा है, बट इसका वो देखा आपने बिल्कुल स्ट्रक्चर कैसा था, कितना अलग है ये। देखो यार ये कुछ अलग ही है, अलग दुनिया जैसी लग रही है बिल्कुल ही। वाओ इधर देखो क्या है, ये कॉटन है, क्या है ये यार, इतने मुझे इस मिट्टी का पता नहीं लग रहा कैसी मिट्टी है यार ऐसी। नंबर 1, अरे अभी तो गए थे हम 1 में। ओ भाई इतनी गर्म टनल है ये, ओ मेरे हाथ तो पूरे ठंडे थे ना, भी ऐसे गर्म लग रहे थे, हीटर में बैठी हूँ। आगे देखो तो आप, ओ भाई साहब पॉल्यूशन देख रहे हो भाई, सामने पूरे का पूरा धुआं धुआं हुआ हुआ है, ऊपर देखो इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, और हालत देखो भाई, मतलब आसमान तक नहीं दिख रहा है भाई, पूरे का पूरा स्मोकी स्मोकी ऊपर ऊपर तक, इसी वजह से मतलब कितना ज़्यादा भाई हमारा इकोसिस्टम ख़राब हो रहा है, पूरे का पूरा ग्लोबल वार्मिंग होती है, पूरे का पूरा जब ठंड आनी हो तब गर्मी आ जाती है, बे टाइम बारिश होती है, इन्हीं वजह की वजह से होती है ये। वो देखो ओ भाई इतने नज़दीक से भी नहीं ऐसा लग रहा है कि बस मेरे मुंह में आ रहा है ये स्मोक सारा। सो गाइस टोल प्लाजा भी कर दिया हमने क्रॉस, एंड अब काफ़ी कम भी बच गया हुआ है, तो बस ये सीधे सीधे ही है, तो बस पहुँच ही जाएंगे रात होने से पहले पहले, 4 बजे तक तो पहुँच ही जाऊँगी मैं। बाकी गाइस जाइए व्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो लेट्स एंड दिस व्लॉग, बाकी हम बनाएंगे एक दिन चंडीगढ़ में व्लॉग, बाकी फिर देखते हैं शायद वापस भी जाना पड़े, कोई पता नहीं है, वो आपको अपडेट मिल जाएगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, बाय बाय, लव यू ऑल।